अरे 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 क्या हुआ क्या हुआ, are you okay? अच्छा हुआ तो मुझे यहीं मिल गए, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मुझे डैड ने बताया कि तुम जेल से वापस आ गए। हां मैं आ गया। रिया मैं तुमसे 2 मिनट में बात करूं, मुझे एक्चुअली जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। कहां जाना है तुम्हें? मुझे संजू को ढूंढने। क्यों क्या हुआ? संजू को ढूंढने? हाँ क्योंकि तुम्हें क्यों चाहिए संजू? तुम्हें नहीं मिलेगा संजू, पागल हो गया? तुम्हें क्यों मिलेगा संजू? मुझे नहीं, क्यों? तुम्हें पता है वो कहां है? मुझे नहीं, ऑफ कोर्स तुम्हें क्या पता होगा संजू कहाँ पे, मुझे जाना है। सुनो अगर तुम्हें मेरे घर का कोई भी इंसान देखे ना तो प्लीज मत बताना कि मैं तुम्हें दिखा, ठीक है? क्योंकि एक्चुअली मेरी मम्मी ने ना मुझे कमरे में लॉक कर दिया और वहां से मैं कूद के विंडो से निकल के बाहर आ गया क्योंकि मुझे संजू को ढूंढना, तो मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ। और थैंक यू सो मच, मैं तुमसे आराम से बैठ के बात करूंगा, ठीक है? अरे हाथ हटाओ, जाना है मेरे को। रणवीर लिसन टू मी, पर मेरी बात तो सुनो। अरे मैं सुन लूंगा तुम्हारी बात आराम से, आई एम रियली सॉरी। अगर मम्मी देखे तो उनको प्लीज बताना कि मैं आ गया हूं तुम्हारे पास। आई विल टॉक टू यू लेटर, बाय। रणवीर मेरी बात इंपॉर्टेंट है, लिसन। रणवीर तुम संजू को नहीं ढूंढ सकते यार, ये मेरी बात क्यों मेरी बात नहीं सुनता? रणवीर अपनी मॉम के अगेंस्ट जाके संजू को ढूंढने जा रहा है, बिना बताए भाग गया, किस लिए? उस प्राची के लिए। ये लड़का कौन है? ये वो नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रहा था? संजू? ये संजू नहीं, मैं जानता हूँ। संजू का एड्रेस भेजा है और जिस लड़के की फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यूवी है, युवराज चौहान। संजू ने इसे ही हायर किया था MMS बनवाने के लिए। और वो लड़की? इसमें दो लड़कियां इन्वॉल्व हैं जिनके बारे में अभी पता नहीं चल पाया। आई मीन मेरी नज़र है बट आई एम नॉट श्योर, और जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता उनके बारे में डिटेल्स नहीं दे सकता, लेकिन जल्दी ही सब कुछ पता चल जाएगा। एक तो आपने सब कुछ इतनी अर्जेंसी में कराया कि मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपको पूरी डिटेल्स दे दूंगा। थैंक्स जोसेफ, बहुत जल्दी तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक्स। एक सेकंड। अरे चीफ, हेलो। घर पे है, खिड़की से भाग गया। अरे कब का। अच्छा सुन, तू किसी युवी को जानता है? युवराज चौहान। युवराज चौहान, युवी? हाँ जानता हूँ, मेरे कॉलेज में ही है। मेरा दोस्त नहीं है, ऐसी पागल है। क्यों, क्या हुआ, उसके बारे में क्यों पूछ रहा? युवराज ये जिसने प्राची का MMS बनाया था, और भी दो लड़कियां इन्वॉल्व है जिसके बारे में जल्दी पता चल जाएगा। प्राची को सपोर्ट करके तूने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। प्राची को बदनाम करने के पीछे जिस जिसका हाथ है उसे सजा दिलवा। Yes, I'm on it. Good. आपने संजू का नाम नहीं लिया, वही तो रियल कल्प्रिट है। I know. पर उसे मैं हैंडल करूंगा। अब संजू से ही पता चलेगा कि वो दो लड़के हैं कौन। शायद उससे पहले मैं ही पता कर लूं। वैसे ये बात तो है भाई, खाने में तो दिल्ली का कोई जवाब नहीं। मैं जब भी चाय पीता हूँ ना यहाँ, तुम्हें की याद आ जाती है। एक बार प्राची भाभी के साथ तेरी शादी हो जाए, फिर जब प्राची भाभी के हाथ की बनी चाय पिएगा ना, भगवान की कसम, दुष्ट है तू, भगवान की कसम। मैं अपनी माँ को याद कर रहा, तू उनकी बहू को याद दिला दिया। मानेगा नहीं। कसम से यार, जब भी मैं अपनी डार्लिंग को याद करता हूँ ना, इसका फोन आ जाता है, भगवान की कसम। उठा लो ना, अपनी टीम में तो है। हाँ हेलो, कहाँ हो तुम? मैं ना उड़न कटोला के ऊपर बैठ करके ना उड़ रहा हूँ तुम्हारे घर के ऊपर से। बोलो तो नीचे आ जाओ, तुम्हें भी साथ में बैठा लो। ऊपर से टॉप एंगल व्यू से नीचे देखेंगे लोग, चुटकुले चुटकुले दिखाई देंगे। लिसन, तुम मुझसे बकवास मत क्या करो, तुम मुझे बताओ वेयर आर यू? अरे बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये बताओ बात क्या है? हर घड़ी कौन बनेगा करोड़पति खेलती रहती हो मेरे साथ। ओ लॉर्ड सन, समझो तुमने मुझे अपना एटीट्यूड मत दिखाया करो। तुम्हारे भले के लिए फोन कर रही हूं, तो प्लीज टेक योर एटीट्यूड एंड कीप इट विद यू। तुम प्रॉब्लम क्रिएट करा करो और मैं से सलूशन ढूंढते रहा करो। अरे कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी अब मैंने, मुझे भी तो पता चले। मैंने मना करा था कि कॉलेज में मत घूम। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात सुननी नहीं है, क्यों थे तुम कॉलेज में? अरे छुप करके घूम रहा था कॉलेज में। कि तुम्हें जहाँ मुँह छुपाना चाहिए था वहाँ तो तुमने मुँह छुपाया नहीं। बात क्या है ये बताओ ना। मेरे डैड ने तुम्हें कॉलेज में देख लिया है। देख लिया तो क्या हो गया? अरे भाई कॉलेज है, एयरपोर्ट थोड़ी ना है जो वहाँ जाने के लिए टिकट लेना पड़े मुझे। कॉलेज में कोई भी आ सकता है जा सकता है, क्यों भाई? सुन संजू, तुम नहीं दिख सकते, स्पेशली उस दिवाली वाले सीन के बाद तुम कहीं नहीं दिख सकते, नॉट एनीवेयर अराउंड प्राची। और तुम इतने मोहन हो ना कि, और तुमने सबसे बढ़िया काम पता क्या किया है? जैसे डैड और अंकल ने तुम्हें देखा और तुम मुंह छुपा के वहां से भाग गए, जिससे जो उनका शक था ना अब वो परमानेंट हो गया कि MMS स्कैंडल में तुम पीछे हो। तुम पकड़े जाओगे अब? और वो यू भी तो पकड़ा ही गया। तुम
एक बात अब मेरी कान खोल के सुनो, तुम जहाँ पे भी हो, तुम चाहे कॉफी शॉप में हो, चाहे घर पे हो, चाहे बाहर हो, जहाँ पे भी हो, जस्ट भाग जाओ। मतलब पहले पुलिस, फिर तुम्हारे पापा। अबे इतना प्यार करते हो क्या मुझसे? सारे के सारे लोग सारे पीछे पड़ गए। मैं बोल रही हूँ ना, भागो, वरना जो मेरे डैड ने डिटेक्टिव हायर किया ना, सबसे पहले वो तुम्हारे पीछे आएगा। नहीं, सबसे पहले नहीं, वो एक्चुअली तुम्हारे पीछे आ रहा है। तो मैं जो कह रही हूँ वो करो, अपनी तुम बचाओ और भाग जाओ यहाँ से। हाँ, आपके फोन में क्या, फोन के अंदर से ही डरा दोगी? भाग, नहीं भागना, अवार्ड दूंगा तेरे को भागने का, चल भाग। मैंने कहा मेरे पास मत आना। मैंने कहा पास मत है, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा यहाँ से। तो कूद ना, कूद जा। पर कूदने से पहले मुझे एक चीज बता, बस एक। क्यों किया तूने प्राची के साथ ऐसा? हाँ, क्यों उसकी इमेज खराब करने की कोशिश करी तूने? दोस्त बोलता था ना तू उसको, दोस्ती में ये करते हैं। तुझे अच्छे से पता था, तुझे बहुत अच्छे से पता वो कितनी अच्छी लड़की। तेरी इस घटिया हरकत की वजह से तुझे पता उसको कितना कुछ। तेरी वजह से उसके साथ जो भी हुआ वो तेरी वजह से हुआ। अरे आपके पाँव में तो पहुंच, आप उठ पाओगे? चलो हमें संजू के पीछे जाना। नहीं, हमें किसी के पीछे नहीं जाना। आप प्लीज, आप उठो, हम वो देख लेंगे। मैं आपको गाड़ी। नहीं, संजू भाग जाएगा तब तक। अरे आप समझने की कोशिश करो, आपको बहुत चोट लगी है। और अगर आप जंगल में जाओगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे सांप और कीड़े मकोड़े होते हैं, आपको किसी ने काट लिया तो नहीं? आपको मैं गाड़ी तक ले, मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। आपको मेरी कसम। क्या कर रही हो तुम? कसम देने की क्या जरूरत थी? आपको जितना मुझे डांटना ना बाद में डांट लेना, पहले आप मेरे साथ अभी गाड़ी में चलोगे, वहां पे बैठ के रेस्ट करोगे, फिर डांटना मुझे। अभी चलो आराम से। मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। मैं आपको मना लूंगी, मुझे पता है, आराम से चलिए। ऐसे जिद? क्या हुआ? वो कुछ नहीं, आराम से। पता नहीं, शायद कोई कांटा चुभा या शायद कीड़ा काट गया होगा। मैं देख लूंगा। नहीं, मैं ठीक हूँ, चलो चलिए। मेरी वजह से? हाँ, तेरी वजह से। उसके साथ जो भी हो रहा है तेरी वजह से, मेरे साथ जो भी हो रहा है तेरी वजह से। तो उसकी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता था मैं, बस उसको तेरी लाइफ से बाहर निकालना चाहता था। तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकता था मैं। क्यों तेरे को क्या फर्क पड़ता है उससे? मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी हो, तुझे क्या फर्क पड़ता है यार? तुम वापस जाओ, मैं चली जाऊंगी। मैं आपको लेके जा रही हूँ ना, आप चिंता मत करो, आप बैठ के रेस्ट करो, मैं जाके देख के आती हूँ क्या। लेकिन प्राची वहाँ अकेली? अरे रणबीर भी है उसके साथ, मेरे डैड भी है, आप चिंता मत करो, अकेली नहीं है। प्राची सर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर आपको क्या हुआ है? आई एम फाइन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको चोट आई? मैं ठीक हूँ, संजू का है,
संजू उस तरफ गया, रणबीर उसके पीछे गया, वहां पे उस तरफ। चलो सर, तुझे मुझे उससे दूर करने का यही तरीका मिला। ओ, मुझे ठीक लगा, मैंने वो किया जो तुझे ठीक लगा तू कर। तुझे और प्राची को मैं एक साथ नहीं देख सकता, मुझे पता तेरे दिल में प्राची है। दोषी सिर्फ मैं नहीं हूं, दोषी तुम भी हो प्राची। तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से नहीं और तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है। एक बार दो बार मैंने तुम्हारे सामने अपनी शादी का ऑफर रखा, बस तुमने टुकरा दिया। मैंने सोचा शायद इस बार तुम्हें हाँ कहनी पड़े, बस इसी कोशिश में मैं कन्फेस कर लिया तो सजा के लिए भी तैयार हो जा। हैप्पी लोरी, हैप्पी लोरी, हैप्पी लोरी, हैप्पी लोरी, हाय, हैप्पी लोरी, हैप्पी। मासी, हमारी कॉलेज फ्रेंड है ना प्रिया, वो वहाँ पर है, मिलकर आए। हाँ हाँ जाओ ना, प्लीज हैव फन, एंजॉय करो। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हो? इतना टाइम हो गया, मैं तब से सोच रही थी मुझे आपसे मिलना है, कोई ना कोई काम आ जाता था और फिर मैं आपसे मिल नहीं पाई। मुझे फोन कर लेती, आप आइंदा मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। ऐसे थोड़ी ना, मुझे मिलना है तो मुझे आना चाहिए ना। क्या हुआ? आप क्या सोच रही? बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कितना कुछ होने लगता है उनकी जिंदगी में। आधी बात समझ में आ रही है और आधी नहीं, क्या बोल रही हैं आप? मुझे लगता है रिया किसी लड़के को पसंद करने लगी, मतलब उस लड़के का नाम नहीं पता, वो चला गया। माय रिया, she loves someone, I think so, that's awesome. चलो कोई ना, आप आइए। Looking gorgeous. क्या हुआ रिया? क्या फायदा पूछे? What's the point of being gorgeous? जब वो रणबीर पूरा टाइम उस प्राची को देखता रहता है। You know what पूछे? अब मुझे लगता है कि मुझ में ही वो बात नहीं। No 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 no. ऐसा नहीं बोलते। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या हो? You deserve much more. और तुम जो deserve करती हो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। I will make sure of that. वो प्राची रणबीर की लाइफ से बाहर होगी और तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। मुझे आप ये सब इसलिए बोल रहे हो बिकॉज यू लव मी एंड यू जस्ट वांट टू मेक मी फील गुड। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी का भी प्यार डिजर्व नहीं करती। नो 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 बेबी, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग तुमसे कितना प्यार करते, तुम बहुत अच्छी हो रिया। प्रॉब्लम तो उस प्राची में, दैट प्राची इज अ ब्लडी स्कीमर। और तुमने ही तो कहा था ना कि प्राची से रणबीर बहुत इरिटेट होता है। Not anymore. पूजी, मैंने रणबीर को देखा उस प्राची की तरह देखते हुए, उसको ऐसे देखते जैसे प्राची ना दुनिया की सबसे सुंदर लड़की। मुझे she is not good looking, she doesn't have good features. I mean, उसके पास तो ड्रेसिंग सेंस में नहीं। He's so ugly. I know, sweetheart. फिर भी रणबीर उसे ही पसंद करता है, उसकी towards attract होता है। And not only रणबीर, everybody likes प्राची and उसे नहीं देखा जाता। मुझसे भी नहीं देखा जाता बेबी, बल्कि मुझे तो और गुस्सा आता है जब भी मैं उसको मुस्कुराते हुए देखती हूँ। जब भी वो खुश होती है तो मुझे उसकी माँ याद आती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ घर पर बैठे बैठे खुश हो रही है, प्राउड फील कर रही है कि प्राची जैसी लड़की को रणबीर जैसा लड़का मिल गया। ओह माय गॉड, पूजी, पूजी, यू आर राइट।
और आपको पता है प्राची की मॉम जेन्युइनली रणबीर को पसंद करती है, तो रणबीर हमेशा प्राची के लिए साइड लेते हो। नो 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 नो, बूम जी कहीं रणबीर ने उनसे शादी का प्रपोजल दिया तो झट से हाँ बोल देगी कि हाँ मैं लड़का पसंद है। ऐसा नहीं होगा बेबी, ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगी ऐसा। आई हैव अ प्लान, ओके? यू जस्ट कम विद मी। रणबीर की लाइफ से वो प्राची बाहर होगी और तुम उसकी लाइफ में रहोगी। कम विद मी। कितना अच्छा है ना? तो पानी पीते का टेस्ट लगता है ना। थैंक यू। कैसी जल्दी है तू, पानी टेस्टी लगता है, पार्टी में आके क्या हो जाता है तुझे? देखकर भी अनदेखा कर रही थी ना, नाराज हो मुझसे? कैसी हो तुम? अच्छी। आप कैसे? मैं अच्छा नहीं हूं। क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं है, मतलब मैं अच्छा नहीं हूं का मतलब मैं बुरा हूं, इसलिए तुमने घर शिफ्ट किया और मुझे बताया तक नहीं। शिफ्ट? I'm a bad boy. घर शिफ्ट? घर बदला? शिफ्ट? मैं आया था तुम्हारे घर पर, कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। कुछ पता है तुम बिना बोले वैसे चले गई, पता है? वो मेरा घर नहीं है, वहाँ किसी काम से कुछ दिनों के लिए रहने गई थी, अब वापस आ गई। तुम वहाँ पर नहीं रह रही? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपने एटीट्यूड के चक्कर में वही पर रह गया, हमेशा इसी चक्कर में हम बात नहीं करते। क्या करती बता के आप फिर ऐसे ही मुझे ब्लेम करते? ब्लेम थोड़ी करता, मैं आकर बात करता, बात करते। मुझे पता है आपकी बातें क्या होती हैं। ये फिर लड़ने लगे, आज के दिन तो रहने देते, क्या करूं ये झगड़ा ना करे। एक सेकंड। थैंक्स। अरे क्या बात होती है, बस एक बात इधर से उधर चली जाती है, उसके बाद कुछ बात नहीं होती तो। अभिषेक प्रेम मेहरा, कहां देख रहा है यार, तेरे लिए अनाउंसमेंट हो रही है, किसी और के लिए नहीं। तो गाइस, दिल्ली की सर्दी में लोहड़ी सेलिब्रेट करने का मजा ही कुछ अलग है, और अगर लोहड़ी वाले दिन अभिषेक मेहरा का एक भांगड़ा डांस हो जाए तो मजा डबल। अरे आई नो, ही इज नॉट अ डांसर, ही इज अ सिंगर। तो आज की रात को और यादगार बनाने के लिए अभिषेक प्रेम मेहरा विल सिंग अ सॉन्ग फॉर यू ऑल, टू गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अभिषेक प्रेम मेहरा। व्हाट अ मास्टर प्लान है, देख क्या रही हो, मुझे पता है सब तुम्हारा ही प्लान है। मेरा? मैंने क्या किया? तुमने बुलाया पूरब को? मैं क्यों बुलाऊंगी? मुझे पता है तुमने कहा होगा कि जब आएंगे बात करेंगे तो तुम इसे अपने से दूर ले, मतलब मुझसे दूर ले जाना। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा उसे। तो ये कैसे कर दिया? हमेशा ये करता है, इतने सालों से यही हमेशा तुम्हारा सब हमारा साथ देता है, देता तो रहेगा।
थैंक यू। की डिमांड पे बुलाया तुझे। सब कह रहे हैं अभिषेक से गाना गवाओ गाना गवाओ। अब क्या गाना? मुझे पता है किसकी डिमांड पे किया तूने ऐसा। कितना? देखा दी, लड़ रहा था ना आपसे, लगा दिया काम पे। अच्छा लगता है पूरा वो मुझसे लड़ नहीं रहे थे। क्या थी? मैंने अपनी आंखों से देखा आप दोनों को लड़ते हुए। दिया आप एंजॉय करो अभी। आप ये वो तुषार है ना, ये प्राची के पास क्यों जा रहा है? अबे हाँ, ये तो एक मिनट रुको। तो उनसे था जो प्राची के बारे में गंदा गंदा बोल रहे थे यार। ये वापस तो कुछ बोलने नहीं गया ना, बकवास कर रहा होगा। चल मेरे साथ चल। ये लो। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? I'm sorry प्राची, मुझे तुम्हारे बारे में वो सब नहीं बोलना चाहिए था, और मुझे उन सब लड़कों के साथ भी नहीं रहना चाहिए था। It's okay, अब चुप हो जाओ, रोना मत प्लीज। अरे it's okay, हाँ ठीक है, वो हो गया ना, बोल दिया सॉरी वॉरी। रणबीर एक मिनट, तुषार तुम्हें अपनी अपनी बात का पछतावा हो रहा है, अपने बिहेवियर का पछतावा हो रहा है ना, बस वही काफी है। बस आगे से ध्यान रखना कि मेरे बारे में क्या, किसी और लड़की के बारे में ऐसी बातें मत बोलना, ठीक है? मैं अब नेक्स्ट टाइम से हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं समझ गया हूँ कि तुम जैसी लड़की ही सच्ची होती है, अच्छी होती है। बस इट्स ओके। मेरे हाथ पे किसी ने काट लिया बहुत जोर से। प्राची प्राची देखो ना, शाना देख तो, दिखाओ जरा। अरे ठीक हो गया। बस बस अब चुप हो जाओ, मैं समझ गई हूँ तुम बहुत अच्छे लड़के हो। अरे देखो, जाना नहीं है क्या? तेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है ना, नई वाली या पुरानी वाली? वो अरे दो गर्लफ्रेंड है यार इसकी, बहुत बड़ा आदमी है। वो क्या नाम था वो पहली वाली का? संध्या। हाँ हाँ संध्या, कॉलेज वाली, वो मोटी सी। हाँ, और अपनी वो एक और लड़की, वो रोशनी। रोशनी और संध्या दो लड़कियां थी। तो यार गर्लफ्रेंड, तू यहाँ क्या कर रहा है? छोड़ ना, बहुत गर्लफ्रेंड है इसकी, बहुत बड़ा आदमी है, जाना उनके पास यार। रणबीर ऐसे कौन बात करता है, who talks like this? एक गर्लफ्रेंड है तो है, अब क्या करूँ यार, गर्लफ्रेंड बनाने से पहले नहीं सोचा उसने। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम्हारे लेफ्ट साइड में वो जो ग्रुप देख रहे हो तुम, पांच लोगों का, उसमें है रणबीर। नाउ यू जस्ट सी। फाइन, गो अहेड, मेक मी प्राउड। रोशनी से मेरा ब्रेकअप हो चुका है, और संध्या मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी कजन सिस्टर है। हाँ, तुमने सिस्टर को गर्लफ्रेंड बोल दिया? तेरी ये क्या कर दिया मैंने? आया बाबा। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ वाटर प्लीज? डू वी नो ईच अदर? आई थिंक आई नो यू। नो, I don't think so. मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे पहले कहीं मिला हूँ। अरे आराम से, अभी भी बैठ दुख रहे हैं, कहाँ जा रही हो तुम? दवाई हो गई ना? हाँ दवाई तुम्हारी हुई ना, लेकिन अब मेरे इलाज की बारी है। आपका इलाज? सॉरी, वो मुझे नहीं पता था आप दोनों यहाँ मिल रहे हैं। हाँ, one second, phone. चुनेश, आप बात कर लीजिए। हेलो प्रज्ञा, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे भाई के साथ डांस करके तुम घर में वापस आ सकती हो? अफसोस, तुम सिर्फ उनके होटल रूम तक आ सकती हो, उनके घर के कमरे तक नहीं। इसलिए सपना देखना बंद करो, आंखें खोलो और देखो तुम्हारे सामने मैं खड़ी हूँ। दिख रहा है मुझे, और ये भी दिख रहा है कि 20 साल में वो आलिया बिल्कुल नहीं बदली। अभी भी वही नफरत, वही शिकायतें। थोड़ा बदल जाओ, लोगों की इज्जत करना सीखो, उनसे प्यार करना सीखो। और तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं कोई अनजान लड़की हूँ जिसने तुम्हारे भाई के साथ डांस किया, फिर उन्हें इस कमरे में लेकर आ गए। तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि तुम मेरी इंसल्ट करना चाहती हो, लेकिन साथ साथ तुम अपने भाई की इंसल्ट कर रही हो। अपने बारे में मैं फिर भी सुन लूँगी, लेकिन तुम्हारे भाई के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। और जहाँ तक उनके कमरे में आने का सवाल है, तो मैं चाहूँ
तो तुम्हारे घर में, उनके कमरे में, उनकी जिंदगी में वापस आ सकती। लेकिन कुछ वजह है या मजबूरी जिसकी वजह से नहीं आ रही, पर मैं नहीं आ रही इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कसम खा ली हूँ कि नहीं आ सकती। नॉट बैड, बदली तो तुम भी नहीं हो प्रज्ञा, एटीट्यूड तो अभी भी वैसे का वैसा ही है। But let me think, what could be the reason behind this attitude? कहीं मेरे भाई ने तुम्हें ये तो नहीं बता दिया कि तुम्हारी बेटी जिसे हमने पाला है वो तुमसे नफरत करती है? पर कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। जिस बेटी को तुम हमारे पास छोड़कर गए थी ना, वो नफरत करती है तुमसे। तुम झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच है ये। इतनी नफरत करती है कि अगर गलती से भी तुम हमारे घर में आ गई तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। 20 साल पहले जिस बेटी को तुम छोड़कर गई थी वो तुमसे नफरत करती है, ये सच है। और इसी सच के साथ तुम्हें जीना पड़ेगा। तुम हमारे घर में नहीं आना चाहती थी, जैसा कि तुम बोल रही हो, यू हैव योर रीजंस फॉर इट। बट कभी तुमने ये सोचा है कि भाई तुम्हें क्यों नहीं लेकर आ रहे? क्या मैं माँ से मिलने जा रही हूँ? प्राची तू ऐसे कैसे जाएगी रणबीर को उस कंजूस लड़की के साथ छोड़कर? कंजूस लड़की? हाँ कंजूसी तो है, उसके कपड़े देख ऊपर से नीचे तक, अब उसने सारी कंजूसी अपने कपड़ों में ही की है। और लड़की छोड़ रणबीर पकड़, तू रणबीर को ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकती है? मुझे ना रणबीर में इंटरेस्ट है ना उस लड़की में, और रणबीर की मर्जी, जिसके साथ बात करना है करे, घूमना है घूमे, जो करना है करे, मुझे क्या है। और ऐसे किसी के कपड़ों से किसी को जज नहीं करते। प्राची क्या बात कर रही है, देख तो सही। तो तुम कहना चाहती हो कि अच्छे अच्छे लोग जेलेसी में बहुत कुछ कर जाते हैं, अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ होगा तो वो जलेगी, जल जल के पिघलेगी। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, बहुत टफ है, उसको ये चीजें इफेक्ट ही करती है मुझे लगता है। अगर नहीं हुआ तो समझ ले उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं और ना ही कोई फीलिंग्स। सच्ची में ऐसा है क्या? ट्रस्ट मी हैंडसम। हां प्राची देख कैसे रणबीर के बाल छू रही है वो। रणबीर को अच्छा लग रहा होगा। अरे चंपी थोड़ी कर रही है जो रणबीर को अच्छा लग रहा होगा। रणबीर हमारा दोस्त है और एक अच्छा दोस्त होने के नाते हमें उस बुरी लड़की से बचाना। तो क्या उसको बार बार बुरी बुरी बोल रही, कहाँ से बुरी लग रही तुझे वो? अच्छी मुझे ना वाइब्स आ जाती, मुझे जो लड़की अच्छी नहीं होती ना जिसकी नियत में खोट होता है मुझे समझ आ जाता है। अरे लड़की अजीब है मैं बता रही हूँ, और मेरी वाइब नहीं कहता दैट शी इज अ बैड गर्ल। ओके फाइन मैं करती हूँ उससे बात, लेकिन एक ही बार कहूंगी, अगर मान लिया उसने तो ठीक है, अगर कुछ उल्टी सीधी बात की ना उसने तो वहाँ से चली आऊंगी, फिर मत बोलना मुझे तू। हाँ हाँ मैं कुछ नहीं करूंगी, तू जा तो सही जाना, तू भी ना कहाँ फंसा दे। ऐसे कैसे मैं किसी लड़की को रणबीर के पास आने दूंगी? जोड़ी एक ही साची, रणबीर और प्राची। एक्सक्यूज मी मैं अभी आई। जेलस होके प्राची? अब रणबीर रणबीर सुन ना, मेरे से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। नहीं नहीं बाद में बात करना, पहले मुझे बात करनी। आज जाने दे आर्यन, मुझे प्राची को बहुत जरूरी बात करनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगी तभी तो आई है, आज जाने दे। चलो चलो लगता है असर हो गया। यस पर इतनी जल्दी? बस अब जल्दी जल्दी से बोल दो कि रणबीर किसी लड़की के पीछे मत जाओ, सिर्फ मेरे पास आ जाओ। रणबीर आई लव यू। उम्मीदों की वजह से हमारे आंसू बहते, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, नहीं हमारी गलती, क्योंकि लोग हमसे कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता। एंड होप इज वेरी गुड बट इट्स आल्सो वेरी इविल। हम जिंदगी अच्छी होने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन शर्त तो नहीं रख सकते ना। हम ये नहीं मान सकते कि सब कुछ वैसा होगा जैसा हम सोच रहे हैं। सॉरी मैं जानती हूँ आसान नहीं है, लेकिन ऐसा करने से रियलिटी एक्सेप्ट करने में आसानी होती है। मेरे तो रियलिटी ही अच्छी नहीं, मैं एक्सेप्ट कैसे करूँ? You know what? I want to change everything about मेरा पास्ट,
मेरी लाइफ, व्हाटएवर आई डू, सब चेंज करना चाहती हूँ। आपको पता है, आपको पता है मैं उस टाइम पे पहुंचना चाहती हूँ जब मैं पैदा हुई थी। मैं वहीं से सब बदल देना चाहती हूँ। Because this life is no good. अगर मैं सब बदल दूंगी ना, तो शायद से मेरी माँ। रिया सुनो, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन उस जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो ये तो जरूरी नहीं ना। जिंदगी जैसी है उसे उसे अपना भाग्य समझ के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमारे लिए आसान हो रहा था, और तुम्हारे पास्ट में जो कुछ भी हुआ तुम कंट्रोल नहीं कर सकती ना उसे, लेकिन आने वाला कल तो बदल सकती। You can, I'm telling you. पता है क्या, बीते हुए कल में जो तुमसे छूट गया, हो सकता है आने वाले कल में तुम्हें मिल जाए। उम्मीद ना सही, कोशिश करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। अब मेरी मॉम क्यों नहीं? Are you not my mother? Because I don't deserve it. मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, और तुम बहुत अच्छी लड़की हो। You deserve a really good mom. मम्मी जी, मेरी थाल में तो कपड़ा ही नहीं है, मैं जरा ले आऊं। चल मैं भी चलती हूँ साथ। हाँ, चल। हेलो, शुभ दिन पर मैं अपनी बेटी की नफरत इसी लोड़ी में जला देना चाहती हूँ। पवित्र अग्नि में जल के क्या पता वो नफरत प्यार में बदल जाए। I wish मैं तुम्हारी सारी problems, सारे दुख लेके इस लोड़ी में जला दूँ। ये वेटर कहाँ चला गया? मीरा को क्या हुआ? मेरा पीछा क्यों कर रही थी जब वो वॉशरूम चली गई? No, stop it, अभी कोई फायदा नहीं है। मैंने चाहती कि पूजा पूजा अधूरी रह जाए। ठीक है, तो एक काम करते, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ ना, अब हम साथ में अग्नि के चक्कर लेंगे और पूजा भी करेंगे, ठीक है? क्या हुआ, मेरे साथ पूजा करके तुम्हारी पूजा पूरी नहीं होगी? हो गई लेट, मिल गया इन्हें रोमांस करने का एक और मौका। दर्द हो रहा है।
थक चुके है ये कदम, चल घर चले मेरे हमदम, होंगे जुदा ना जब तक है दम, चल घर चले मेरे हमदम, ताउम्र प्यार ना होगा कम, चल घर चले मेरे हमदम, मेरे रहो तुम और तेरे हम, चल घर चले मेरे अब जाके हुई ये सही मायनों में हैप्पी लोडी। Your daughter hates you. क्यों? नहीं वो हम हमारी बेटी है यहाँ, तो हमें इस तरह एक साथ नहीं होना चाहिए। आज त्योहार है, खुशी का दिन है, और खुशी के दिन पे हमारी बेटी के साथ कुछ भी। ये तुम क्या बोल रही हो? बस हमें इस तरह एक साथ नहीं होना चाहिए। प्रज्ञा, क्या वो ये आलिया भी ना यार, क्या किया उसने? उसने आके प्रज्ञा को बता दिया कि रिया उससे नफरत करती। यार ये आलिया की प्रॉब्लम क्या है? क्यों दी के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है? चैन से जीने क्यों नहीं देती हूं? क्या कर रही थी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया रिया? मुझे वो लोग पुलिस को बुला रहे हैं, वो रणबीर को अरेस्ट कर लेंगे, और आपको भी पता है रणबीर की कोई गलती नहीं है, मैं उसे अरेस्ट नहीं होने देना चाहती। पूछिए ये सब उसने किया है नहीं, इसको इनोसेंट भी तो हम लोग कर रहे हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ हमें पता था ना कि जब माया रणबीर को एक्यूज करेगी तब यही तमाशा होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतना बड़ा ड्रामा करोगी। मुझे मैं उसको पुलिस ले जा। कुछ नहीं होगा ऐसे रिया, हम जिस स्टेज पर हैं हम पीछे नहीं हट सकते। क्या लगा था तुम्हें कि माया सबके सामने रणबीर को एक्यूज करेगी, प्राची उसे नफरत करने लगेगी, तुम जाकर रणबीर को सपोर्ट करोगी तो रणबीर क्या तुम्हें प्यार करने लगेगा? वी न्यू दिस इज नॉट गोइंग टू बी ईजी, हमें पता था कि ये ईजी नहीं होगा। मुझे पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाएगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। दिमाग खराब है तुम्हारा? रणबीर कोहली है वो, विक्रम कोहली का बेटा, अभिषेक प्रेम मेहरा उसे बेटे की तरह मानता, तुम्हें लगता है कोई उसे अरेस्ट कर सकता है? और अगर करेगा भी ना तो 2 घंटे में वो लड़का बाहर होगा। लेकिन जो तुम करने जा रही थी ना उससे सारी चीजें बिगड़ सकती थी रिया, तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें रोक लिया, वरना तुम तो जाकर सबको बोल देती ये पूरा एक प्लान है, वो झूठ बोल रही है एंड एवरीथिंग। How many times have I told you? कभी कभी कुछ चीजों को पाने के लिए ऐसे झूठ बोलने पड़ते। We have to do wrong things to get things in our life, but you have to be serious about it. I'm just feeling really bad for Ranveer. पूरा मुझे भी लग रहा है sweetheart, लेकिन अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुम अपना पहला प्यार खो दोगे। रणबीर प्राची से नहीं, तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। So be careful. I promise, रणबीर तुम्हारा ही होगा और वो तुम्हें बहुत जल्द प्रपोज करेगा रिया। फोन उठा, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? फोन कैसे कर रहा हूँ मैं? पुलिस? हाँ पुलिस क्यों आई है विक्रम? पुलिस? ये वही लड़की है? जी सर। सर हमने रूम को बाहर से लॉक कर दिया है, वो लड़का नशे की हालत में अभी भी वहीं पड़ा हुआ है, फिलहाल हम में से कोई वहाँ गया नहीं है। दिखाओ वो रूम कहाँ है। जी सर, आइए सर। नहीं वो रणबीर नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? रणबीर तो बस उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। ए, उठो उठो उठो, कुर्ते के बटन बंद करो और खड़े हो जाओ। चलो उठ जाओ, उठो उठो। पुलिस वाले? आप लोग यहाँ कैसे? पुलिस स्टेशन चलो, सब बताते हैं। किसी चीज को टच मत करना, मीडिया को इन्वॉल्व मत होने देना, ले जाओ इसे। क्या बात कर रही है प्राची? जब हम रणबीर को ढूंढने गए थे ना तो मैंने उसे माया के साथ देखा था। हाँ तो माया को किस करने की कोशिश कर रहा था, माया मना कर रही थी पर
बाद में रणबीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती रूम में ले गया। तेरा मतलब कि रणबीर उसके साथ देख ऐसा लग रहा था, अब लग रहा था मैं क्या बोलूं, इसलिए तो रणबीर को उससे बचाने के लिए मना कर रही थी। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है उन दोनों के बीच में कुछ है। तेरा मतलब है कि रणबीर ने उसको मोलेस्ट किया, उसने पी रखी थी, तो इसमें रणबीर की गलती नहीं है ना? गलती तो है उसकी। अगर वहां कोई और है तो रणबीर का पता नहीं अभी यार, अभी वो जहां हो बस वहां नहीं होना चाहिए यार। हम जानते हैं उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर पुलिस ने वहां देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी कमलेश मैडम को दूसरी जीप में लेके आओ, इनका बयान लेना है, हम इसे लेकर चौकी पहुंच रहे हैं। रणबीर आर यू ओके? पल्लवी, रणबीर पुत्र लेके जा रहे हैं मेरे बेटे को। कुछ नहीं किया रणबीर ने, झूठ बोल रही है वो लड़की। सच झूठ हम पता कर लेंगे, फिलहाल आप लोग बीच में बताइए। अरे कैसे बीच में ना आए, देखिए आप मेरे पोते को इस तरह नहीं लेके जा सकते, समझ गए आप? प्लीज आप इन्हें रोकिए, अगर रणबीर इनोसेंट है उसे कुछ नहीं होगा, पर आप लोग पुलिस को इस तरह नहीं रोक सकते। आपको जो भी कहना सुनना है पुलिस स्टेशन में आके कहिए। अरे कमाल है, पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा तब केस बना दूंगा इसके अगेंस्ट में। रणबीर नशे में, शायद नशे में ही उसने, oh God, जो मैं सोच रहा हूँ, I hope वो ना हुआ हो। आप ऐसे ही थोड़ी किसी के कहने पे किसी को ऐसे ले जा सकते हैं। और मेरा बेटा इनोसेंट है, मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि वो रूम में नहीं है, पर ये हमें उसी रूम में मिला और इसी हालत में। अब आप लोग कुछ ना ही प्रूफ करे तो अच्छा है। इतना प्यार करते हो मुझसे और तुम्हारी बहन क्यों नहीं प्यार कर सकती मुझसे? मैं उसे उसके हक का प्यार नहीं दे पाई, इसके बदले में उसकी नफरत। जब मुझे पता चला कि वो वहां है, मेरा मन किया उसे गले से लगा लूं और बोल दूं कि एक ऐसा दिन नहीं है 20 साल में जब मैंने उसे याद नहीं किया। उसका एक बर्थडे नहीं है जब मैंने उसके लिए गिफ्ट नहीं खरीदा, सब संभाल के रखा है इस उम्मीद से कि जब मिलेगी तो सब सारे गिफ्ट सारा प्यार एक साथ दे दूंगी, लेकिन वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मैं नहीं मिलूंगी उससे, नहीं मिलूंगी जब तक वो मुझसे खुद नहीं कहती कि वो अपनी माँ से मिलना चाहती, माँ के साथ रहना चाहती है। मैं नहीं मिलूंगी उसे, नहीं मिलूंगी मैं। सॉरी, वो मेरा सर दर्द कर रहा था ना, इसलिए जल्दी जल्दी निकल गई। मैं पानी लेकर आती हूँ। अच्छा ही क्या मासी, आप नहीं आई, बहुत टेंशन हो गई थी, हमने एंजॉय भी नहीं किया। जाना, क्या बोल रही? क्या क्या बोल रही हूँ? सही तो बोल रही हूँ, रणबीर को पुलिस ने अरेस्ट नहीं कर लिया क्या? एक लड़की है माया, जिसने रणबीर पे मोलेस्टेशन का इल्जाम लगाया। मोलेस्टेशन? रणबीर उसे फंसाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता रणबीर ऐसा कुछ कर सकता है। मासी सही कह रही है, और मुझे तो लग रहा है उसी ने किया है जिसने प्राची को बदनाम किया था। संजू नहीं, संजू भाग गया था, वो वापस नहीं हो सकता, उसका कोई साथी। रणबीर ने किसी को देखा जो, मुझे रणबीर से पूछना चाहिए ये सब। मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ। माम मैं भी चलती हूँ आपके साथ, चलो हम तीनों चलते हैं। नहीं, तुम लोग प्लीज यही रुको, तुम लोग इतनी रात गए पुलिस स्टेशन जाओगे अच्छा नहीं लगता, दरवाजा बंद कर लेना बस। आप
कुछ नहीं किया है। I'm innocent. मुझे पता है, मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया है, एंड दैट्स योर इनोसेंट। मैं बस ये कहने आई हूँ कि कभी कभी जिंदगी में हमें अपनी अच्छाई की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन ऐसी ही मुसीबतें हमें जिंदगी में और मैच्योर बनाती हैं। तुम ये सोचकर दिल छोटा मत करो ना कि लोग क्या सोचेंगे। तुम्हें तो ये सोचकर अपनी हिम्मत बढ़ानी चाहिए कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपको पता है, आपको यहाँ देख के मैंने सोचा मैं आपको ये बोलूंगा कि यहाँ पे आप क्यों आए, पर I'm glad आप यहाँ आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा। हम सब जानते हैं उस लड़की से गलती हुई है। I just hope कि उस लड़की को realize हो जाए कि उससे गलती हुई है। Realize होगा, और अगर उसे नहीं हुआ तो हम करवाएंगे। वो अपनी गलती माने या ना माने, प्रायोरिटी इज कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। कुछ भी करके तुम्हें लॉकअप से तो बाहर निकलवाएंगे पहले। इतना भरोसा है मुझ पे? है, और इसलिए नहीं कि तुमने मेरी बेटी की मदद की है, इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंखों में तुम्हारी सच्चाई नजर आती है। प्राची को भी इतना भरोसा है मुझ पे? हाँ, प्राची को भी इतना ही भरोसा है तुम पे। पता है क्या होता है, अक्सर हम लड़के ना कुछ भी गलती करें उनको माफी मिल जाती है, सब भूल जाते हैं। इनफैक्ट मेरे खुद के पेरेंट्स, अगर कहीं में मेरी गलती होती ना तो वो एक बारी को भूल जाते, मुझे जैसे तैसे निकाल लेते। जितना भरोसा और जितना ट्रस्ट आपने और प्राची ने मुझ पे दिखाया है, मुझे नहीं लगता मैं कभी रीपे कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच। परेशान मत हो, और थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ से बाहर निकलोगे तो कॉफी पिला देना। किसको? आपको या प्राची को? सब ठीक हो जाएगा। पूरा फेक था, मैं उसके बहुत क्लोज था, और मैंने देखा कि प्राची बहुत जेलस फील कर रही थी। और ऑल्दो मैंने कुछ नहीं किया, मैं आई डिडंट इवन टच हर। मैं देख रहा था प्राची पीछे से देख रही थी, उसको ऐसा लगा होगा कि मैंने उसको किस कर लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मेरे बारे में गलत तो नहीं सोच रही होगी ना। तूने पूछा उससे? नहीं, अभी तो नहीं पूछा, इसलिए तो जा रहा हूँ ऑफिस, ताकि मैं जाऊँ उससे मिलूँ, उससे पूछूँ कि वो मुझे गलत तो नहीं समझती। देख यार, शक तो आ ही गया होगा उसे। एज यू सेड, तूने उसे दिखाया यार कि तूने माया को किस किया है। मेरी लाइफ की ना अभी सबसे इम्पोर्टेंट इंसान वो है। मैं भी इतना इम्पोर्टेंट हूँ जितनी प्राची इम्पोर्टेंट है। अगर प्राची को गलत लगा तो मतलब मैं मर जाऊंगा यार। नहीं यार, क्या बकवास कर रहे हो, पागल वागल हो गए है क्या? Just relax. देख, Prachi is a smart girl, यार. I mean, अगर उसे शक हो भी गया ना, तो उसे clear किए बिना नहीं रहेगी. और देख यार, Prachi doubt कर सकती है तुझे, पर तेरे को कभी judge नहीं करेगी. तू जा, उससे बात कर. Are you sure? 100%. चल ठीक है यार. Thanks. मैं office जाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ तेरे को जो होगा वहाँ पे. बोझी, भैया, what happened to you, baby? तुम्हारा रंग क्यों उड़ा है? हमें Calm down, come इधर बैठ, come here. Riya, you are scaring me now. Tell me what has happened. बोझी, मैं माया के घर गई थी, आज मैं पकड़ी जाती, वहाँ पे डैड और रणवीर आ गए थे, वो तो सही टाइम पे मैं छुप गई, वरना बोझी पता नहीं क्या हो जाता। स्मार्ट मूव बेबी, स्मार्ट मूव। गलती मेरी है, मुझे तुम्हें वहां पर भेजना ही नहीं चाहिए था। नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट गोना सेंड यू। बट टेल मी वन थिंग, तुमने माया से बात की उस फेक सुसाइड के बारे में जो हमने बात की थी? उससे बात की, उसने साफ मना कर दिया। शी सर, शी डजंट वांट टू डू इट। करना तो उसे पड़ेगा। और डैम इट, आई हैड अ कॉन्फ्रेंस कॉल। डोंट वरी, मैं अपने रूम में जाकर बात कर लूंगी। आई एम सॉरी स्वीटी, आई विल गेट बैक टू यू। या, आई विल बी ऑनलाइन 2 मिनट्स। Are you okay? I know तुम अकेले इस सब से गुजर रहे हो, and I'm really sorry. I know तुम किस हालात से गुजर रहे हो। I know this is hell, and काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। ये सब मेरे, मतलब
मैं हेल्प करना चाहता हूँ। I want to be there for you, Ranveer. I think ऐसा होना ही था। एक ना एक दिन तुमने मेरा बिहेवियर देखा। I'm a bad boy यार। मैंने लाइफ में और करा क्या? मैं बस फ्लर्ट ही तो करता हूँ उन लोगों से। कभी नहीं सोचा सामने वाले को कैसा लग रहा होगा। पर आज मुझे ये बात पता चल गई है कि सामने वाले को भी बहुत गलत लगता है। कोई कुछ भी मतलब निकाल सकता है। You know what, यार? मुझे ऐसा लगता है मैंने लाइफ में सारे खराब काम ही करे। सारे डैड के पैसे चुराए, पेपर्स चुराए, फ्लर्ट करता हूँ, हैकिंग करता हूँ, सब करता हूँ। मैंने जो भी किया ना, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं किया। कभी नहीं। जो भी किया सामने वाले की परमिशन से किया, सामने वाले को देख के किया। कभी किसी को हर्ट नहीं किया मैंने। झूठ बोलता हूँ, सब करता हूँ, पर मैं झूठ किसी को हर्ट करने के लिए थोड़ी बोलता हूँ। माया, मैंने उससे बात करी थी। I was just talking to her. वो क्या बोल रही है मेरे बारे में? होना था ये, यही होना था मेरे साथ। I think I deserved it. क्या मेरा ओपिनियन तुम्हारे लिए मैटर करता है? तुम्हारा क्या? इस घर में जितने लोग रहते हैं उनका ओपिनियन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। बाहर वालों का ओपिनियन तो मैंने देख लिया। उन सबको लगता है कि रणबीर ने ऐसा किया होगा। मैं हूँ ही ऐसा ना। इस घर में जितने लोग हैं उन सबका ओपिनियन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तुमने कुछ गलत नहीं किया। आई ट्रस्ट यू। एंड लाइफ में कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, आई एम ऑलवेज गोइंग टू बी देयर फॉर यू। I trust and I swear to God, I'm there with you. I promise. And I mean it. I really mean it. You do. Thank you. Thank you. Thank you. It means a lot. And you mean a lot to me. Always remember that. Thanks. Please take care. मुझे ऑफिस जाना है। सबको बताना है कि मेरी कोई गलती नहीं। I can't be like this. Thank you. Thanks. Oh my God, he hugged me. Yes. अब बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी जी। प्राची की मॉम ने उसकी परवरिश ही इतनी बढ़िया की है कि वो इतनी प्यारी बच्ची बन गई। वरना आजकल के बच्चे तो अरे बच्चे कहाँ हैं ये? बाप है सबके। पैदा होते ही पर लग जाते हैं इनके। बिल्कुल सच कहा आपने। ये सारी बातें करके ना मम्मी जी, मुझे प्राची की मम्मी से मिलने का बड़ा मन कर रहा है। मेरा मन कर रहा है कि प्राची की मम्मी को गले लगाकर उसे थैंक यू कहूँ कि इतनी अच्छी परवरिश की उन्होंने प्राची की। मम्मी जी उनके घर चले क्या? चल। लगा तू भूल गया होगा। मुझे क्या याद रखना था जो तुझे लगता है कि मैं भूल गया हूँ? क्लाइंट के साथ मीटिंग। वो हाँ, वो मैं भूल गया था। एक्चुअली याद है मुझे, लेकिन अच्छा तूने पोस्टपोन कर दी। मेरा मन ही नहीं कर रहा है जाने का। कल का दिन इतना खराब था ना पूरब, क्या बताऊँ तुझे। सब कुछ खराब हुआ। पहले पार्टी में आलिया ने प्रज्ञा की लोरी खराब कर दी, उसके बाद उस माया ने पता नहीं रणबीर पर क्या क्या इल्जाम लगा दी। हाँ यार, बहुत बुरा हुआ रणबीर के साथ। हाँ लेकिन अब भाग्य से अच्छा ही होगा। सोना है वो, ही इज गोल्ड। गोल्ड? अरे जैसे सोना आग में तब कर तैयार होता है ना, ये लाइफ में रणबीर को ऐसे हाई फ्लेम पर रखा है ना कि 24 कैरेट गोल्ड बनकर निकलेगा। बहुत कम उम्र में उसने बहुत कुछ देख लिया। इसी ने लॉट पुलिस स्टेशन में माया उस पर इल्जाम लगाई जा रही थी, लेकिन रणबीर ने बदतमीजी से बात नहीं की। ही वाज वेरी कल्चर्ड। पुलिस स्टेशन के बाद वो माया के घर भी जाना चाह रहा था पूछने के लिए कि उसने उसके साथ गलत क्यों किया। मैं जानता हूँ रणबीर गलत नहीं कर सकता। इज माय बॉय। योर बॉय और यस बॉय? दोनों का बॉय है यार। पूरा प्रज्ञा से मिलने का मन कर रहा है यार। आई रियली रियली वांट टू मीट हर। वहां पार्टी में कल वो उदास थी और मैं कुछ नहीं कर पाया यार। अब भाई तुम्हें घर क्यों नहीं लेके आ रहे? तुम्हारी उसी बेटी के पास। वजह यही है दैट योर डॉटर हेट्स यू।
त्योहार का दिन था और मेरी उदासी देखकर वो भी उदास हो गए। उसे उदास देखकर ना मैं भी उदास हो गया। काश एक बार मैं उससे बात कर पाता। जस्ट वंस। कोई बात नहीं, अब कर ले। मतलब बात ले। आप पूरब? हेलो प्रज्ञा, हाय। आप पूरब के फोन से? हाँ, वो पैसे बचाने के लिए इसलिए पूरब के फोन से फोन कर रहा हूँ। नहीं, मुझे लगा कि आप, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या लगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वजह कोई भी हो, दिन कोई भी हो, हमारी मुलाकात हो जाती है, बात नहीं हो पाती है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम से अकेले लड़ रही हो। अकेली कहाँ, आप है ना मेरे साथ। फुगी, मिलोगी क्या मुझसे? कैफे कॉफी हाउस। अब पूरा भी होगा, कबाब में हड्डी। मैं कबाब में हड्डी नहीं, कॉफी में शक्कर की तरह होऊंगा। मेरा स्वाद रहेगा लेकिन मैं देखूंगा नहीं। ये एक्चुअली मेरी मीटिंग है वहां पर, बट डोंट वरी, आई वोंट डिस्टर्ब यू। उनसे कह देना मैं 2 बजे तक कैफे कॉफी हाउस में आती हूँ उनसे मिलने। Yes, yes, कितने बजे? 2 बजे। 2 बजे I'll be there. It is on. अब दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। दोस्त एक दूसरे को इंप्रेस थोड़ी ना करते। अगर लड़की को पटाना है तो लड़की को इंप्रेस कर, मगर अगर लड़की को शादी के लिए बनाना है तो लड़की को नहीं, उसकी माँ को इंप्रेस कर। परफेक्ट, सही है। हर चीज ट्रेडिशनल तरीके से करूंगा। उसके साथ लव मैरिज ऐसे करूंगा जैसे कि अरेंज मैरिज हो। पापा ने कहा था ना कि लड़की को पटाने से पहले उसकी मम्मी को पटाना पड़ता है, तो आंटी को पटा लूंगा। ऐसा इंप्रेस कर दूंगा ना आंटी को कि हेलो, क्या हुआ? अकेले अकेले मुस्कुरा के रहो। नहीं करो, स्माइल ठीक ठाक लगती है तुम पे। तो मतलब तुम्हारी भी स्माइल बहुत अच्छी है और बहुत सारी चीजें तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी है, लेकिन वो सब बताने से पहले मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हें चलना पड़ेगा मेरे साथ। कहाँ? तुम्हारी मॉम से मिलने। अभी? अभी, बिल्कुल अभी। चलो लेट्स गो। कम ना। क्यों? अरे नहीं नहीं, बाकी सुनो। अरे वो डैड है ना, वो गुनगुना पानी पीते हैं, ठंडे पानी से उनको थोड़ा कफ हो जाता है, थोड़े ओल्ड एज हो गए ना वो, थोड़ा हो जाता है। मैं वैसे भी सबके लिए नॉर्मल पानी ला रही थी, मौसम बदल रहा है ना। सो स्मार्ट है प्राची, कितनी स्मार्ट हो यार, वेरी गुड। ग्लासेस? क्या हुआ? ग्लासेस कम पड़ गए क्या? हाँ। मैं कुछ मदद करूँ? नो थैंक्स, और मुझे ऐसे टिपिकल लड़कियों की तरह ट्रीटमेंट करो। मैं अपने घर पे हूँ, अपना काम कर सकती हूँ, बाकी लड़कियों से स्मार्ट हूँ। क्या बात है, आजकल तुम अपनी खुद की तारीफ ज्यादा नहीं कर रही हो? हाँ, एक्चुअली क्या है ना, सब मेरी तारीफ करे तो मैंने सोचा मैं भी कर दूँ, पर सब मेरी तारीफ क्यों कर रहे? Because you deserve it, because you are very special, यार, तुम सब डिजर्व करते हो। चाची, कुएं से पानी निकाल दी, इतना टाइम, एक काम कर, मैं पानी लेके जाती हूँ, तू चाय बना क्या? अरे, what? वो चाय बनाएगी, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? ठीक है, ऐसी बातें करती है तुम्हारी बहन, मुझे कभी कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी बोलती। It's okay. इसकी बातें इस घर में वैसे भी किसी को समझ में नहीं आती, तुम्हारी तरह। Excuse me, मेरी तरह? हाँ, तुम्हारी बातें भी कहाँ किसी को समझ में आती है, नहीं आती। तुम्हें भी नहीं आती मेरी बात समझ में? नहीं, बिल्कुल नहीं, पर अब तुम ठीक हो गए हो। पहले ना तुम्हें देखते ही मेरा मूड खराब हो जाता था, सच में। इतना भी खराब नहीं था यार मैं। खराब नहीं थे, बस अजीब से थे, मतलब अजीब बिहेव करते थे, थोड़ा बोलते ज्यादा थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा और ज्यादा कोई कैसे बोल सकता है, तो ज्यादा बोल सकता है, थोड़ा बोल सकता है, थोड़ा ज्यादा। ओके, ज्यादा बोलते थे, बहुत ज्यादा बोलते थे, है ना? अब ठीक हो गए हो, लेकिन नहीं 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 नहीं, अभी भी ठीक नहीं हुए हो। पहले बोलते ज्यादा थे, अब ज्यादा मुस्कुराते हो। बिना वजह क्यों मुस्कुराते हो, पागल लगते हो पता है कभी कभी, मत करो। नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ, हंसो हंसो, गाओ मुस्कुराओ। मैं बाहर ही जाता हूँ, ठीक है? सॉरी सॉरी सॉरी, आओ 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 आओ, तुम हंस रहे हो?
बिना वजह मुस्कुराना इसको कहते हैं। और बाहर जाके ना मेरा नाम मत लेना, मैंने तो मैं नहीं गिरा, मैं तो बचा रही थी पर तुम खुद गिर गए। मेरा नाम लेना तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। मैं करती हूँ, चलो चलो को फोन करो। प्लम पानी पानी चल प्लम्बर को फोन करो। अच्छा ये लो आ गए दोनों। रणबीर को जो चोट लगी है ये खुद गिर गया था, मैंने कुछ नहीं किया। कैसे गिरा? अरे मेरा पैर फिसल गया किचन में और मैं प्राची को गिर गया। ऑल्दो प्राची ने बचा लिया मुझे, मुझे लगा मैं बहुत सेफ हुआ, मैं बच गया। लेकिन मैं फिर से फिसल गया। फिर से मतलब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? मेरी वजह से इनडायरेक्टली मुझे ब्लेम कर रहे हो? तुझे कहाँ ब्लेम कर रहा है, वो बता रहा है हुआ क्या था। नहीं 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 आपकी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, ये रणबीर ही इनडायरेक्टली ब्लेम कर रहा है इसे। व्हाट आर यू डूइंग? यू मॉडल आंटी देखा मॉम है ना, तुम्हारी अच्छे से जानती है तुम कैसे हो। अरे तो तुम्हारी मम्मी नहीं जानती क्या तुम्हें? हाँ आंटी भी तो बोल रही है कि मैंने मैंने नहीं बोला ना। आंटी बताओ ना इसको। रणबीर देख, आपने देखा? ओ आप लोगों ने नोटिस किया? नोटिस किया? नोटिस किया? नोटिस किया? किसी ने देखा? आंखों में देखा किसी ने? इसने अपनी आंखों को ऐसे 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 किया, नहीं देखा? तो उसमें क्या हुआ बेटा? तो उसमें क्या हुआ? अरे ये अपनी आंखें जब भी ऐसे रोल करती है ना, इसका पता क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि इसको पता चल गया कि इसकी चोरी पकड़ी गई है। सही में लगता है मैं जो करूँ? मम्मी आपको कुछ भरोसा नहीं, मैं झूठ बोलूंगा। देखा 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 आप लोगों ने देखा कैसे मैं कर रहा है? ये जब ये स्टैमर करता है ना, झूठ बोल रहा होता है, गलत बोल रहा होता है, झूठ बोल रहा होता है। कुछ नहीं ऐसा, क्या 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 गलती है? क्या कर रहे हो तुम? तुम बोल नहीं पा रहे। तुम कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने तुम्हें ब्लेम किया? अरे मम्मी मैं नॉट ब्लेम। गलती तेरी है, चुप। मेरी गलती कैसे हो गई यार मम्मी, आप समझ नहीं रहे। मेरी गलती नहीं है, सारी गलती उसकी है। नहीं नहीं आप नहीं समझ रही है, प्राची ना बेवजह डांटती है रणबीर को। बेवजह क्या बोल रही है, उसकी गलती कितना कैसे बात कर रहा है? अरे कैसे आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, अपनी मम्मी की सुनो ना, मेरी मत सुनो। तुम अपनी मम्मी की सुनो क्योंकि वो बहुत सही है। तुम दोनों चुप हो जाओ। प्राची जी जाओ, उसको चोट लगी जाके आइस लगा दे। इसको फर्क थोड़ी पड़ता है। प्राची जान प्लीज 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 जाओ। हां मम्मी ये भी नहीं देखा होगा आपने। नहीं नहीं देखा ही नहीं, मार के नहीं मुझे। कोई बात आंटी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। आप आइए बैठिए ना, आए बच्चों का तो चलता रहता है। बैठिए बैठिए जाओ रणबीर, ये मेरे सर पे और चोट दे देगी। नहीं नहीं वो आइस करेगी। वैसे नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि मुझे रणबीर और प्राची एक साथ अच्छे लगे। पहली बार इनके घर आई हूँ और ऐसी बात करती तो की सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं इन दोनों के रिश्ते की बात करने आई हूँ। नहीं नहीं अरे आप चुप क्यों हो गई? आप कुछ बोल रही थी, बोलिए ना। हाँ वो वैसे चाय चढ़ाई थी ना प्राची ने? हाँ चाय चढ़ाई तो थी पर शायद उतारना भूल गई। मैं देख कर आती हूँ।